प्रेस वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। औरैया जिले में पहुंचे प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी ने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट पर संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने आखिरी पायदान पर खड़े हरेक व्यक्ति को अपनी योजनाओं से लाभान्वित किया है, चाहे वह केंद्र सरकार की जल जीवन योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जल आपूर्ति से जोड़ना हो या सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न मामलों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को जमीनी स्तर पर लागू करना हो। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि भाजपा सरकार ने गांव, गरीब और किसानों का हमेशा ध्यान रखा है और प्रत्येक व्यक्ति का खास ध्यान रखते हुए सरकार ने बजट पेश किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रभारी मंत्री जय कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में आज की तारीख में समुचित दवाएं उपलब्ध है और तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए इमरजेंसी सेवाएं और डॉक्टरों की भी तैनाती पहले की अपेक्षा ज्यादा की गई है। हमारा बजट में जो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे गांव में जो हमारा जल जीवन मिशन के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि हम जल जीवन मिशन से हर घर को नल की टोटी से जोड़ देंगे, उसमें ग्रामीण इलाके के साथ साथ ही इस बजट में जो स्वागत देव गए शहरी इलाकों को भी ले लिया गया है। इससे शहरी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोई गांव, मजरा, पुरवा, शहर के जो नई बस्तियाँ हैं, नई बसावटें जो होती हैं, वहाँ तक पानी की व्यवस्था के लिए जो किया गया है तो एक अभूतपूर्व है। चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग को लेके हो तो स्वास्थ्य विभाग के में चाहे हमारे पीएससी सीएससी तक ग्रामीण इलाकों में जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर बने हैं वहाँ तक हमने अपने बजट में 135% लगभग इसमें इजाफा किया गया है। इससे मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर एक व्यापक गरीबों पर असर पड़ेगा और उसको स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छे से मिलेंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।